हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग एकेडमी फॉर क्रैक नीट इन इजी वे. गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में. सो ये एक स्पेशल वीडियो हो गई क्योंकि अभी तक मैं हर एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में आपको समझा रही थी, पर आज की वीडियो में तीन क्वेश्चन में एक साथ समझाने वाली हूँ. तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसका बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को देख के आपकी बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो हर एक यूनिट को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं पूरे तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. इन्होंने दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वैक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट. तो इनका क्वेश्चन ये है कि उस वैक्टर का नाम बताओ, चारों में से कौन ऐसा वैक्टर है जो कि डीएनए फ्रेगमेंट को ह्यूमन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ किया जाता है. सो गाइज, इसका आंसर है रेट्रोवायरस, जो कि आपको मिलेगा आपकी एनसीईआरटी की बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट की जीन थेरेपी नाम की जो हेडिंग है उसमें. यहाँ पर आप देखो ये लिखा हुआ है, अ फंक्शनल ADA cDNA यूजिंग अ रेट्रोवायरल वायरल बैक्टर इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट्स. तो ये पूरी लाइन आप देख रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल लाइन है, बिल्कुल बीच में लिखी हुई है. यहाँ से NCERT की बुक से क्वेश्चन बना लिया गया है, तो आपको NCERT की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है. आप तब तक नहीं कह सकते कि आपको पूरी NCERT आती है जब तक कि आप पूरी एक लाइन के आंसर्स ना दे सको. तो गाइज, आप सब मुझसे पूछते रहते हो कि NCERT सफिशियंट है या नहीं है, तो आप खुद देखो कि अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको NCERT के अंदर मिले हैं. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो NCERT के बाहर हो. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, पर अभी तक के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे NCERT से हैं. उसके अलावा एक एक लाइन के अंदर से क्वेश्चंस बने हैं, तो सारी लाइनों को अच्छे से पढ़ना है. तो पहला आपको आंसर मिल गया. उसका दूसरा क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं आपको हिंदी में पहले समझाती हूँ कि यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज. तो बायो रिसोर्सेज का यूज़ करना बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है बायो रिसोर्सेज को ऑथोराइजेशन की बिना उससे परमिशन लिए, कि किसी कंट्री की परमिशन नहीं ली और उसके बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बायोपायरेसी, मतलब कि चोरी कर रहे हैं. ये किसी ऑथराइजेशन की चीज़ को, किसी कंट्री की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो भी बिना पेमेंट किए, बिना उससे परमिशन लिए, तो इसको बोलेंगे बायोपायरेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ये भी आपको NCERT में मिल जाएगा. ये देखो लिखा हुआ है, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रेफर टू यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज. तो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि इंडिया के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिकली इंट्रोड्यूस होने के लिए असेस करता है. तो इसका आंसर है लास्ट वाला, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमिटी. तो आपको बहुत दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है, क्योंकि आप जब पूरा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या आंसर है. तो आपको उसकी ट्रिक बताते हैं. देखो, सबसे पहले आप देखो, पहला वाला दिया है रिसर्च कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन. तो पहली वाली होगी रिसर्च, तो रिसर्च वाली जो है वो असिस तो करेगी नहीं. दूसरी है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी रिसर्च रिलेटेड है. तीसरी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये भी रिसर्च रिलेटेड है. और चौथी वाली वो है अप्रेशियल, मतलब कि दे देना कि इन मतलब अप्रेशियल मतलब मैं आपको बताऊं कि परमिशन दे देना इस चीज़ की कि आप जेनेटिकली जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसको पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी आपको NCERT के अंदर मिल जाएगा एथिकल इश्यूज में, GEAC. यहाँ पर लिखा भी है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. ठीक है, या अप्रिशियल कमिटी, जो कि अप्रूव करती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ
genetically modified research and the safety of introducing genetically modified organisms for public services. So guys, I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सब जब कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. और एक न्यू ई बुक भी है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, अगर आप बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए. उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करा करिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लिंक ज़रूर देती हूँ रिलेटेड टू नीट. उसके अलावा मेरे कम्युनिटी टैब में हमेशा अपडेट रहा करिए, क्योंकि मैं उसमें छोटे छोटे पोस्ट डालती रहती हूँ रिलेटेड टू योर नीट एग्जाम, रिलेटेड टू योर स्टडी. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग.